अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले, 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, दो टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया।